इससे पहले मैंने सफारी का कटिंग बताया था, अब मैं ये पैठानी का कटिंग बता रहा हूँ, जिसमें डबल पैकेट रहती है, शोल्डर रहती है, जैसे पुलिस वाले का रहता है ना शोल्डर में, उस तरह। तो ये देखिए, ये 49 इंच लेंथ है, 48 इंच चेस्ट है, 48 इंच बेस्ट है, 39 इंच हिप है, 49 इंच हिप है, 19.5 इंच शोल्डर है, 26 इंच आस्तीन है, 17 इंच कॉलर है और 9.5 इंच ऑफ है। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। देखिए, ये डबल पन्नी का कपड़ा है, मैं इसको 4 फोल्ड कर रखा हूँ, यानी ये फ्रंट बैक दो भी साथ में है। तो फिलहाल मैं पहले इसको बैक के हिसाब से कटिंग करूँगा और बाद में फ्रंट कट करूँगा। तो सबसे पहले हम एक सीधा मार्क लगाएंगे, उसके बाद 2.25 इंच का मार्क लगाएंगे और उसके बाद 2.25 इंच का, यानी 4 इंच पे। अभी 2 इंच का मार्क लगाए हैं, 2.25 इंच का। अब यहाँ से हम लेंथ नापेंगे। फिलहाल में लेंथ के लिए यह थोड़ा थोड़ा करके कट करना पड़ेगा, तो फिलहाल में लेंथ अभी पूरा फुल लेंथ नहीं देंगे हम इसको। फिलहाल में हम इसको देख लेते हैं, 18 इंच आर्मोल है, तो यहाँ पे 9 इंच पे मार्क लगाएंगे, 17 इंच बेस्ट का है और 25 इंच पे मार्क लगाएंगे, तो थोड़ा बढ़ा देंगे, यानी 25.5 पे मार्क लगाएंगे। अब हम ये सब मार्क को सीधा कर लेंगे। शोल्डर है 19.5 इंच, शोल्डर का साइज यहाँ पे मारेंगे, 19.5 इंच उसका आधा ही आधा भाग होता है, 10.5 इंच आधा इंच मार्जिन देंगे, आधा इंच नहीं एक दाब मार्जिन दिए तो बस हो जाता, 3.5 इंच गले की गोलाई रहेगी, यहाँ पे भी 3.5 इंच देंगे, और यानी ये 48 इंच चेस्ट में बोला हूँ, इसमें 6 इंच लूजिंग दे के मैं 48 इंच ही बोल रहा हूँ, ये नहीं 39 इंच है, 48 इंच बेस्ट है। तो इसमें है, मैं पहले से 6 इंच ले लिया हूँ, तो सॉरी ये 48 इंच चेस्ट है, बेस्ट भी 48 है, 39 इंच हिप है, 48 का चौथा हिस्सा आ रहा है 12 इंच, तो 12 इंच पे हम मार्क लगा लिए, यहाँ पे भी 12 इंच आएगी, मार्क लगा लिए, यहाँ पे 12.5 आएगी, 49। अब हम यहाँ से यहाँ तक क्रॉस मार्क लगाएंगे, अभी ये मार्क से ये मार्क तक क्रॉस मार्क लगाएंगे, अभी यहाँ से सीधा एक मार्क लगाएंगे, यहाँ पे 1 इंच अंदर डाउन करेंगे, ये जो मार्क लगाया ये बैक की कटिंग हो जाएगी। और ये स्केल से हल्का हल्का सेप रहेगी, और यहाँ पे हल्का सेप रहेगी क्योंकि इनका पेट निकला हुआ है, जिसका पेट निकला रहता है तो उसमें सेप नहीं रहती है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, नहीं तो यहाँ पे उल्टा सेप देना पड़ता है। अब एक अंदाज से हम इसको क्रॉस कर लेंगे,
ये तो हमारा 25 इंची का यहाँ से लेके 25 इंची तक ब्रेड भी है। पहले हम इतना कट कर लेंगे, फिर आगे करके हम लेंथ इसका नाप करके कट करेंगे। तो फिलहाल में इसका 17 इंच कॉलर है, 17 इंच और पैकेट रहेगी 5.5 इंच और 6 इंच लेंथ रहेगी पैकेट का। दो पैकेट रहेगी यहाँ पे, दो शोल्डर रहेगी। यहाँ पे बटन रहेंगे। अब इसको हम यहाँ से गुलाई करेंगे, ये फ्रंट का गुलाई है। अब हम बैक का गुलाई करेंगे क्योंकि इसमें दोनों पल्ला है। पहले हम इसको बैक को कट करेंगे, बाद में फ्रंट कट करेंगे। अगर फ्रंट कट कर लिए तो पीस खराब हो जाएगी। अब बेहतर ज़्यादा अच्छा है कि एक एक करके कट करेंगे ना, पहले फ्रंट कट कर लिए बाद में उसको बैठा के बैक कट कर लिए, वो बेहतर है, वो अच्छा है। लेकिन मैं जल्दी के लिए मैं दोनों एक साथ में करता हूँ ताकि जल्दी हो जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ तक मैं 25 इंच का मैं लेंथ लिया था, तो मैं 25 इंच ऊपर कर लेता हूँ इंची टेप को। अब यहाँ से हम 49 इंच लेंथ का मार्क लगाएंगे। ये देखिए 49 इंच है और 0.5 इंच नीचे मुड़ेगी, उसका मार्क लगाएंगे। मैं एक बार खोल करके इसको देख लेता हूँ कि लेंथ सही आ रही है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ये देखिए 49 इंच रेडी आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको कट करके बैठा लेता हूँ। नीचे का दामन गोल रहेगी। देखिए 8 इंच पे साइड का पैकेट का मार्कर लगाएंगे, यहाँ पे 7.5 इंच तैयारी आ जाएगी, 7 इंच और यहाँ पे 4 इंच का मार्क लगाएंगे। एक चटका मार देंगे यहाँ पे ताकि साइड में मुड़ेगी और पैकेट रहेगी। अब ये बैक पल्ला हटा लेंगे और फ्रंट पल्ला को हम कट कर लेंगे, जो मैंने पहले मार्क लगाया था उसके हिसाब से कट करेंगे। ये मार्क है फ्रंट का, ये पहले बैक का मार्क है, अब इसके हिसाब से हम कट करेंगे। अब यहाँ से हम 13 इंच पे मार्क लगाएंगे, हम इसको बीचों बीच कट कर लेंगे। अब हम आस्तीन पहले कट करेंगे। आस्तीन का लेंथ है 26 इंच, आर्मोल है 18 इंच, उसमें कॉफ रहेगी, बैठाने में कॉफ रहती है,
ये ज़्यादा पैठानी खान लोग पहनते हैं और मुस्लिम भाई पहनते हैं, पहनने वाले भी बहुत से लोग पहनते हैं हर कौम वाले। तो हमने ये 36 इंच का ले लिया लेंथ, 1.5 इंच यहाँ बात कर लिया, यहाँ 26 इंच 1.5 इंच ऑफ में जाएगी और 13 इंच उसका आधा, और ये क्यों नहीं है सारे 14 पे मार्क लगाएं, आधा इंची मार्जिन, और 18 इंच आर्मोल है, आधा इंच मार्जिन, और 9.5 इंच कफ है, 9.5 इंच कफ यानी 4.5 उसका आधा, 1 इंच फॉल तो करेंगे। अब हम मार्क सीला, यहाँ से हल्का क्रॉस करेंगे, अब यहाँ से सीधा मार्क लगाएंगे, ये 1.5 इंच हम घटा देंगे। हल्का मार्क लगा के हल्का को छांटेंगे, देखिए ये गलती पट्टी काटने का एक तरीका है, इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, इतना कपड़ा फालतू कर दीजिए, मार्क लगाइए का मार्क, 5.5 इंच पे इसको कट कर लीजिए, थोड़ा अध्ययन है, गल्फी पट्टी बैक में रहता है, फ्रंट में नहीं रहेगा, ये फ्रंट हो गया, बैक में मैंने कट किया हूँ। अब हम शोल्डर कट करेंगे, इसी को बैठा लेंगे बैक पल्ला को, अब इसके हिसाब से शोल्डर कट करेंगे। शोल्डर हो गई है, देखिए फ्रंट और ये बैक हो गई है, और ये शोल्डर हो गई है, ये आस्तीन हो गई है, ये पूरा कंप्लीट हो गई है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, और बहुत से ऐसे चैनल पे हैं कि हर एक कटिंग, हर एक सिलाई की तरीका और हर एक नया नया तरीका मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, हो सके तो आप देख सकते हैं, यकीन है कि आपको पसंद आएगी वीडियो।